तो इसमें अब सवाल यह है कि 9 महीने पहले ही आरोपी पूरी रेकी कर चुके थे, उसके बाद क्या हुआ, कौन कब कैसे दिल्ली पहुंचा और कहां ये लोग इकट्ठा हुए थे, कैसे इस बात पर फैसला हुआ कि कौन सदन के भीतर छलांग लगाएगा और कौन बाहर नारेबाजी करेगा। जवाब के लिए आप सबसे पहले गुरुग्राम से कुछ तस्वीरें आई हैं, उसी से जुड़ी रिपोर्ट बनाई है आप भी। ये गुरुग्राम की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का कोई आम घर नहीं है, ये वो घर है जहां संसद कांड की पूरी प्लानिंग की गई थी। 10 दिसंबर की रात आरोपी इसी घर में जमा हुए थे। एक एक करके तमाम आरोपी पहले दिल्ली पहुंचे और फिर गुरुग्राम में विक्की के घर जमा हुए थे। विक्की के ही घर पर मौजूद है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गुरुग्राम का ये सेक्टर 7 का ये उसका घर है और यहीं पर वो अपने परिवार के साथ रहता है। जो जानकारी निकल कर आई है, इस पूरी घटना की जो प्लानिंग है वो इसी घर के अंदर ही हुई है और सभी जो आरोपी हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस घर पर लगातार बीते कई दिनों से यहाँ पर आ रहे थे और इस पूरी घटना को कैसे अंजाम देना है, कैसे संसद भवन के अंदर प्रवेश करना है, कैसे वहाँ पर जो फायर क्रैकर है उसे फोड़ना है और किस तरह से वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देना है, इस पूरी घटना की जो प्लानिंग है एक एक उसको पूरी तरह से यहीं पर प्लान किया गया। 40 साल के विक्की और उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एबीपी न्यूज ने जब विक्की के पड़ोसियों से उसके बारे में बात की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कुछ नहीं करता, कभी सिक्योरिटी गार्ड में कर लिया, कभी ड्राइवरी कर ली, ऐसे ही करता रहता, जब दारू का जुगाड़ हो जाए बस ऐसे काम करता है। ये काम वाम तो इसका कोई खास कुछ करता नहीं था और ये दारू का आदी था, दारू पीता था, दारू पी के घर में झगड़ा करना, ये करना इसका नेचर थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं लगता था कि ये किसी इस एक्टिविटी में शामिल हो सकता है। पूछताछ में पता चला है कि ललित झा ही मास्टरमाइंड हो सकता है। उसी के कहने पर 13 दिसंबर की तारीख तय हुई और उसी ने कलर अटैक का वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर डाला। ये ललित की व्हाट्सएप चैट का वो हिस्सा है जिसमें वो वीडियो को सर्कुलेट करने के लिए कह रहा है। ललित झा जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था, पार्लियामेंट के बाहर ही मौजूद था और अपने मोबाइल से जो प्रदर्शनकारी है उनकी वीडियो बना रहा था। पुलिस ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो उनको पता चला कि ललित झा ने वो जो वीडियो है तुरंत एक एनजीओ को भेजा और उसको उसके बाद ये बात भी लिखी कि देखिए आप वीडियो जो मीडिया की कवरेज है वो इस घटना को लेकर देखिए और साथ ही इस वीडियो को सेफ रखने के लिए कहा। आप देखिए इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, वो सिर्फ यहीं पर आकर इन 6 लोगों पर नहीं रुकती है, इसका कनेक्शन कहीं आगे जाकर भी है। गुरुग्राम में विक्की के इसी घर में सारी प्लानिंग हुई। महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला अमोल कलर वाला कैंडल लेकर पहुंचा था। 13 दिसंबर की सुबह 9 बजे महादेव रोड से संसद में एंट्री वाला पास कलेक्ट किया गया। इसके बाद सारे लोग इंडिया गेट पर मिले और एक दूसरे को कलर वाला कैंडल बांटा। दोपहर करीब 12 बजे दोनों आरोपी सागर और मनोरंजन संसद के भीतर दाखिल हुए और सदन के भीतर जाने के करीब 1 घंटे बाद सामने आई ये तस्वीर, जब दोपहर 1:01 पर लखनऊ का रहने वाला सागर सांसदों की बेंच पर छलांग लगा रहा था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।